Hello students, in this video we will discuss about good habits lesson 22 of physical education. We learn good habits at our home and in school. Everybody likes a good mannered child. Good habit makes a person healthy and happy. In Hindi, good habit means that achhi aadatein. Let us know about good habits. First point, we should get up early in the morning and we should sleep early in the night. It means if we get up early in the morning and sleep early in the night, then it keep our body healthy. अगर हम सुबह में जल्दी जगते हैं और रात को जल्दी सोते हैं तो हमारा हेल्थ जो है वो स्वस्थ रहता है. सेकेंड पॉइंट, वी शुड नॉट बाइट आवर नेल्स बिकॉज देयर आर ए लॉट ऑफ जर्म्स अंडर आवर फिंगर नेल्स. हमें अपने नाखून को दांतों से नहीं काटनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमारे माउथ में एंट्री कर जाते हैं. थर्ड पॉइंट, वी शुड नॉट स्केटर टॉयज एंड बुक्स हेयर एंड देयर. इट मीन्स दैट इफ वी स्केटर टॉयज एंड बुक्स हेयर एंड देयर, देन वी विल हैव ट्रबल एंड वी फॉल डाउन. अगर हम टॉयज को और बुक्स को इधर उधर बिखेर के रखते हैं तो हम गिर सकते हैं और हमारा बॉडी पार्ट्स डैमेज हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड यूज हैंडकरचीफ व्हेन वी कफ और स्नीज बिकॉज इट प्रिवेंट टू स्प्रेड द इन्फेक्शन और डिजीजेज लाइक कोरोना इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा. अगर हम जब भी खांसते हैं और छींकते हैं तो हमें हैंकी यूज करनी चाहिए. अगर हमें हैंकी यूज नहीं करते हैं तो बहुत सारे जर्म्स जो हैं हमारे माउथ से नोज से डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को फैला सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड ऑलवेज से थैंक यू. इट मीन्स दैट व्हेन समवन गिव अस समथिंग देन वी शुड से थैंक यू. अगर हम अगर हमें कोई चीज कोई देता है तो हमें उसे थैंक यू बोलनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड ऑलवेज से प्लीज. इट मीन्स दैट व्हेन वी वांट समथिंग फ्रॉम देयर वी शुड टू से प्लीज. अगर हम किसी से कुछ लेते हैं उससे पहले हमें प्लीज बोलनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड नॉट वॉच टेलीविजन टू क्लोजली बिकॉज आवर आईज मे गेट हम्ड. हमें नजदीक से टीवी नहीं देखनी चाहिए जिससे हमारे आईज पे हम मच सके. नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड कीप आवर होम एंड स्कूल क्लीन एंड ऑल्सो पुट वेस्ट इन डस्टबिन. इट मीन्स इफ वी कीप आवर होम एंड स्कूल क्लीन एंड पुट द वेस्ट इन टू द डस्टबिन, देन आवर सराउंडिंग विल क्लीन एंड देयर विल बी नो चांस ऑफ इन्फेक्शन टू स्प्रेड. अगर हम अपने घर को और स्कूल को साफ रखते हैं, वेस्ट मटेरियल को डस्टबिन में डालते हैं तो हमारे घर और स्कूल के चारों ओर कोई बीमारी फैलने का कोई चांस नहीं रह सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड ऑलवेज विश आवर टीचर्स एंड एल्डर्स एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड हेल्प देम. इट मीन्स हमें अपने टीचरों को शिक्षक को टीचर को विश करनी चाहिए, एल्डर्स को विश करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. एंड लास्ट पॉइंट, वी शुड ऑलवेज डू एक्सरसाइज एवरी डे एंड ईट ए लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. इट मीन्स दैट इफ वी डू ए फिजिकल एक्सरसाइज एवरी डे देन आवर बॉडी बिकम फिट एंड एक्टिव एंड इफ वी ईट ए लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देन आवर बॉडी बिकम ए स्ट्रांग. इट मीन्स हमें एवरी डे एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारा बॉडी एक्टिव और फिट रह सकता है और हमें ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाने से हमारा बॉडी जो है वो स्ट्रांग रह सकता है. ओके स्टूडेंट्स, वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट गुड हैबिट्स कीप आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी. इफ यू टेक दीज हैबिट्स देन वी विल बी कॉल्ड एज वेल मैनर्ड चाइल्ड.
I hope all of you have understood the chapter Good Habits. Thank you. Have a nice day.